अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो चैप्टर नंबर 7 है, प्रोसेस कॉस्टिंग यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। और स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर होगा ये सेकंड डिपार्टमेंट के, आज सिर्फ फॉर्मेट का होगा, यानी आज मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा सेकंड डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेट है वो कैसे बनता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट आता होगा देन आफ्टर आप लोग क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो आज हम पहले सेकंड डिपार्टमेंट का फॉर्मेट सीख रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिख लेंगे नेम, आपने नेम नहीं लिखना, जो कंपनी का नाम होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद आप लोग लिख लेंगे डिपार्टमेंट टू, उसके बाद लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और उसके बाद आप लोग लिख लेंगे फॉर दी मंथ ऑफ, आगे जो भी महीना होगा वो लिख के, अगर साथ ईयर है तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इसके लिए बनाते हैं फॉर्मेट। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर्मेट में यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी स्केड्यूल या शेड्यूल, और यहाँ लिख लेंगे यूनिट्स और यूनिट्स। स्टूडेंट्स, सेकंड डिपार्टमेंट का फॉर्मेट भी बिल्कुल फर्स्ट डिपार्टमेंट के फॉर्मेट की तरह ही है जो हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी शेड्यूल में यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, यानी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो पहचान आपने कैसे करनी है। अगर वहां क्वेश्चन के अंदर लिखा हो यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस तो इट्स मीन वो फर्स्ट डिपार्टमेंट है, और अगर लिखा हो यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट या यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग पिछला यानी प्रीवियस डिपार्टमेंट, तो समझ जाइएगा वो सेकंड डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो फर्क ये हुआ कि सेकंड डिपार्टमेंट में हम यहाँ क्या लिखते हैं, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहां जो यूनिट्स होंगे वो हम यहां लिखेंगे, उसके बाद हम यहां लिखते हैं यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू एफजी यानी फिनिश गुड्स। फर्स्ट डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स हम लिखते थे यूनिट्स ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट, लेकिन जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, फर्स्ट डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव करके उस पर जो भी प्रोसेस वगैरह करना है, और उसके बाद वो क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं फिनिश गुड्स को। ये वैल्यू हम यहां लिखेंगे जो यूनिट्स होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, जो अभी प्रोसेस में है, जिसपे अभी कोई मटेरियल लेबर एफोर्ट अभी लगना बाकी है, वो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख लेंगे। और याद रखें स्टूडेंट्स, जो यूनिट स्टिल होंगे इसमें परसेंटेज दी होगी, आपको ये बेहतर पता है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मटीरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि FOH। तो यूनिट स्टिल में मटेरियल लेबर एफओएच की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी होगी कि इतने परसेंट ये यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो भी परसेंटेज होगी वो हम यहाँ लिख लेंगे मटेरियल कॉमा लेबर कॉमा एफओएच। जो परसेंटेज होगी वो तीनों की एक भी हो सकती है या तीनों की अलग अलग भी हो सकती है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आप यहाँ लाइन लगा लेंगे, ये जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड और यूनिट्स स्टिल होंगे दोनों को ऐड करके वो हम यहाँ लिख लेंगे, ये यूनिट्स और ये जो ऊपर वाले दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए और खुद ही आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं टोटल कॉस्ट और यहाँ लिखते हैं पीयूसी पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट, और इसके नीचे स्टूडेंट्स हम यहाँ दो लाइनें लगाएंगे, ठीक है, कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट, ये मैंने आपको इस मार्कर से इसलिए लिखा ताकि आपको पहचान हो। फर्स्ट डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स कॉस्ट चार्ज के नीचे हम कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन सेकंड डिपार्टमेंट में जो हमने यूनिट रिसीव किए होते हैं उसके यहाँ साथ लिखा होगा कि इतने कॉस्ट पे हमने उनसे फर्स्ट डिपार्टमेंट से ये रिसीव किए हैं, ठीक है। तो जो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट है इसकी टोटल कॉस्ट यहाँ लिखेंगे अगर दी हो, ठीक है, और दी होती है तो यहाँ लिखा पर यूनिट कॉस्ट के एक यूनिट हमने कितने का रिसीव किया। तो आप क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट रिसीव्ड जो टोटल कॉस्ट है इसको हम यूनिट रिसीव्ड, ये जो है टोटल कॉस्ट को हम यूनिट्स रिसीव्ड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। स्टूडेंट्स कभी कभार क्वेश्चन में पर यूनिट कॉस्ट दी होती है और यूनिट रिसीव्ड दिए होते हैं, कॉस्ट रिसीव्ड की टोटल वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो फिर आप क्या करेंगे पर यूनिट कॉस्ट को यूनिट रिसीव्ड से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट रिसीव्ड की टोटल वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट, होप सो आपको यहां तक समझ आ रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं नेक्स्ट कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स तीन चीजें होती हैं, मटेरियल लेबर और
फैक्ट्री ओवरहेड यानी के एफ ओ एच। क्या करेंगे स्टूडेंट साहब, मटेरियल लेबर एफ ओ एच के क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी होंगी, आप तीनों के टोटल कॉस्ट यहां लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और यहां लिख लेंगे और उसको नाम देंगे, ये लिखा हुआ कॉस्ट एडेड, तो जब तीनों को ऐड कर देंगे तो उसको अपने सिर्फ ये नाम देना है टोटल कॉस्ट एडेड, बाकी सारा ऊपर वाला नाम है। सर आप लिख लेंगे टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहां लिख लेंगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिपार्टमेंट में चूंकि ये कॉस्ट रिसीव्ड की वैल्यू नहीं थी, तो हम जब मटेरियल लेबर एफ तीनों को ऐड करके यहां लिखते थे तो फिर वही वाली वैल्यू यहां लिखते थे, लेकिन सेकंड डिपार्टमेंट में तीनों को ऐड करके जब यहां लिख लेंगे तो टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के लिए क्या करेंगे, ये जो ये वैल्यू है इसमें ये ऊपर वाली ऐड करके वो वैल्यू आप यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां तक स्टूडेंट्स हमने कर लिया मटेरियल लेबर एफ की आपको टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दी होगी, अब हमें इसकी पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी होगी। ठीक है, जिसके लिए आप यहां आ जाएंगे वर्किंग वन पे। ठीक है, जिसके लिए हम क्या लिख लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स ये जो वर्किंग वन है ये सेम डिपार्टमेंट नंबर वन की तरह ही है जो हम वर्किंग वन जो करते थे फर्स्ट डिपार्टमेंट में, तो हमने ये लिख लिया डब्ल्यू वन पर यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहां लिख लेंगे मटेरियल लेबर और एफओएच। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स यहां पर जो टोटल कॉस्ट हमने लिखी है वो आप यहां पे आएंगे, ये जो मटेरियल लेबर एफओएच कॉस्ट दी होगी वो आप यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने किस पे डिवाइड करना होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। जब मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूं तो उनको मैं शॉर्टकट बोलता हूं ईपी यानी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो हम वर्किंग टू से मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स ये दो वर्किंग याद रखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट चाहे फर्स्ट डिपार्टमेंट हो चाहे सेकंड डिपार्टमेंट हो, ये दो वर्किंग फर्ज हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब सेकंड वर्किंग हम किसकी करेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को मालूम करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास सेम वही फॉर्मूला जो हम फर्स्ट डिपार्टमेंट में यूज करते थे, यहां लिख लेंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू एफ जी प्लस ब्रैकेट में यूनिट स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई परसेंटेज। ठीक है, यहां लिख लेंगे स्टूडेंट्स हम मटेरियल लेबर और एफओएच। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड हैं वो ये वाले आप यहां से उठाएंगे, तीनों में लिख लेंगे, फिर प्लस यूनिट स्टिल वो जो आपके पास ये वाले होंगे वो लिख लेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लाई परसेंटेज, ये परसेंटेज आप ये वाली उठाएंगे। ठीक है, जो मटेरियल लेबर एफ ओच के दी होगी, अगर तीनों के सेम है तो वो लिख लेंगे, अदरवाइज अगर अलग अलग है तो आप वो लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आप पहले यूनिट स्टिल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा परसेंटेज, जो इसकी परसेंटेज है, क्योंकि मोस्टली पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होती है, ये आपको पता ही होगा, तो आपने पहले ब्रैकेट वाली यूनिट स्टिल को परसेंटेज लेके जो वैल्यू आएगी आप यूनिट ट्रांसफर में ऐड करके जो वैल्यू आ जाएगी वो आप यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसके आ जाएंगे, ईपी की, वो हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे बारी बारी तीनों को, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएंगी ये किसके आ जाएंगी, पर यूनिट कॉस्ट किसकी, मटेरियल लेबर और एफओएच, तो ये तीनों आ जाएंगी वो हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मटेरियल लेबर एफओएच के टोटल कॉस्ट दी होती है लेकिन पर यूनिट नहीं दी होती, तो वो आप हमेशा इस तरह मालूम करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, जिस तरह हमने इन तीनों को ऐड किया था ये लिख लिया था, अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे और वो यहां लिख लेंगे, गॉट इट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया था कि इसमें ये जो ऊपर वाली टोटल कॉस्ट थी, कॉस्ट रिसीव्ड, वो ऐड करके यहां लिखा था, सेम पर यूनिट में भी आपने ऐसे ही करना है कि इसको पहले तीनों को प्लस करके ये लिख लिया, अब इसमें ये वाली जो है ना प्लस करके ये यहां आ जाएगी, अब ये हो जाएगी हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ आ रही होगी। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस में हम लिखते हैं कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, जिसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई टोटल पर यूनिट कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यूनिट ट्रांसफर ये जो ये वाले होंगे ये हम यहां से उठा लेंगे, मल्टीप्लाई टोटल पर यूनिट कॉस्ट ये वाले जो है। ठीक है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ जाएगी वो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे,
उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास जो रह जाएगा वो हम लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा स्टूडेंट्स अभी तक ऑलमोस्ट सारा वही फॉर्मेट है जो फर्स्ट डिपार्टमेंट का था, सिर्फ यहाँ यूनिट रिसीव्ड आ गया और यहाँ कॉस्ट रिसीव, ठीक है, बाकी वर्किंग और एवरीथिंग सब कुछ सेम है। अच्छा स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ये भी सेम फर्स्ट डिपार्टमेंट की तरह है, सिर्फ यहाँ भी एक चीज की चेंजिंग आ जाएगी। अच्छा फॉर्मूला इसका वही है, हम लिख लेंगे यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ इसमें ये फर्क है कि यहां भी हमारे पास यही वर्ड्स आ जाएंगे कॉस्ट रिसीव्ड, लिख लेंगे कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद तीन चीजें वही आएंगी मटेरियल लेबर और एफओएच, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब जरा स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, जो हमारे पास यूनिट स्टिल है वो ये वाले आएंगे, पहले हम इन तीनों को कर लेते हैं मटेरियल लेबर और एफओएच को, ठीक है। यूनिट स्टिल ये उठाएंगे, मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं परसेंटेज, ये वाली जो है मटेरियल लेबर एफओएच की वो यहां लिख लेंगे हम जो भी होगी, और मल्टीप्लाई वो कह रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट, ये वाली पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल लेबर एफओएच की जो अपनी वाली इंडिविजुअल है वो लिखनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने इन तीनों को एक साथ कर लेना है, यानी जो यूनिट स्टिल होंगे इसको मल्टीप्लाई, अगर फॉर एग्जांपल 50% है और यूनिट स्टिल 1000 है तो आप करेंगे 1000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई जो इसकी पर यूनिट होगी वो, यानी तीनों को एक साथ करके जो वैल्यू आ जाएगी वो आप यहां लिख लेंगे। तो लेबर एफओएच का भी आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद स्टूडेंट सिर्फ इसमें जो नई चीज आई है वो क्या आई है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट, इसका भी स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें सिर्फ परसेंटेज नहीं होगी, क्योंकि अगर आप यहां देखें यूनिट स्टिल में वो सिर्फ परसेंटेज किसकी होगी मटेरियल लेबर और एफओएच, तो इट्स मीन फॉर्मूला जो ऊपर वाला है वो यही कॉस्ट रिसीव्ड में भी आएगा, सिर्फ परसेंटेज हट जाएगी। तो जब परसेंटेज हट जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, यूनिट स्टिल जो वो यही वाले होंगे और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट जो कि ये वाली है, ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ जाएगी वो आप यहां लिख लेंगे। गॉट इट, होप सो आपको यहां तक समझ आ रही होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन चार को हम प्लस करके वैल्यू यहां आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स आपने आंसर के नीचे दो लाइनें लगा देनी है, और याद रखें स्टूडेंट्स आपका ये जो आंसर होगा वो आपका ये जो टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका आंसर आएगा इसको अपने नाम बिल्कुल यही देना है, सिर्फ टू बी हट जाएगा, यहां लिखे हुए टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, यहां हम लिख लेंगे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो मैंने स्टार लगाए आपने पेपर में, ये स्टार नहीं लगाने, लेकिन आपका आंसर इंशाल्लाह अगर आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा सेकंड डिपार्टमेंट का फॉर्मेट का लेक्चर था, आपने इसको लाजमी याद करना।